इसको प्रिंट करूंगा और एक यहां पर और एक यहां। बोलिए आपको जो कलर अच्छा लगे वो कलर, जो कलर आपको अच्छा लगे वो कलर आप ले सकते हैं। अब हमने देखिए ब्लू ले लिया, अब मैंने देखिए कलर ब्लू ले लिया, आप जो भी कलर ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा मन कर रहा है तो मैंने ये कलर ले रहा हूं। ओके क्या था ना, तो रेड के ठीक नीचे हम लोग यहां पे ब्लू करेंगे। ओके यहां आपने रेड किया है ना, रेड के ठीक ऊपर हम यहां पे ब्लू। एक यहां करेंगे एक यहां करेंगे एक नंबर, वो ये ब्रश लेंगे हम ब्रांच ऐसे करके ये हम ब्रांच उस जिग जैग स्टाइल से हम नीचे तक ऐसे करके ले जाएंगे। ओके इसी तरह इसको भी करेंगे, यहां ब्रांच बनाएंगे इसकी। सबका हो गया तो हम आगे चले, ठीक है। जो अभी हमने किया है उससे थोड़ा लाइट रहेगा, ज्यादा नहीं थोड़ा लाइट। और ये देखिए ध्यान से आप लोग देखिए, हमने ब्रश को ऐसे खड़ा कर लिया है, इसको पट नहीं करना है, ऐसे ब्रश को खड़ा करना है। देखिए सभी लोग ऐसे ब्रश को ऐसे लिखेगा और इसको ऐसे ऐसे इसको प्रेस करिएगा, ब्रश को ऐसे ऐसे से प्रेस करिएगा। अब आप येलो कलर लेंगे, और येलो कलर से भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने किया था। हम लोग थोड़ा सा रेड लेंगे, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, इससे भी हम लोग इसी तरह करेंगे जैसे आपकी किया था आपने इसी तरह। तो इसको और एक बार अच्छे से देख लीजिए, इस तरह से आप लोगों को तैयार करना है। अब उसके बाद हम एक कलर पेपर लेंगे, अगर आपके पास कलर पेपर नहीं हो तो चार्ट पेपर का कोई भी पेपर से आप इसका बॉर्डर बनाएंगे। क्या कितने फोल्ड? हाँ हाँ चार्ट पेपर्स बना सकते हैं आप स्क्रैप, ठीक है। ये देखिए मैं अब इसको कट कर रहा हूं, इसको डेकोरेट करने के लिए, तो मैंने देखिए ये कट किया। मैंने देखिए एक मैंने देखिए गम लगा लिया और इसको मैंने यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे मैंने ये पेस्ट कर दिया। और थोड़ा हाथ से आप लोग प्रेस कर दीजिएगा। हाँ हाँ ले ले, इस तरह से ये तैयार हो जाएगा और आप यहाँ पे अपना नाम लिख लोगे, यहां पे अपना नाम लिखोगे, क्लास लिखोगे। ओके आपने जो बनाया उसको लिख लोगे कि हमने क्या बनाया, ठीक फ्लावर बनाया आपने। ओके तो ये आपका